भारतीय जनता पार्टी का मतलब है कि मुझ जैसा साधारण व्यक्ति भी राष्ट्र का अध्यक्ष बन जाता है, मोदी जी जैसे व्यक्ति भी जो साधारण परिवार से आते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव होता है। शिवराज सिंह ये अगर मुख्यमंत्री बनते हैं साधारण परिवार से आकर, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। लेकिन बिहार में राज करने वाले आरजेडी में सिर्फ लालू का परिवार ही आगे आ सकता है, बाकी सब झाल बजाओ। टीएमसी में ममता और उनका भतीजा ही आगे आ सकता है, बाकी सब झाल बजाओ। समाजवादी पार्टी में अखिलेश और डिंपल पति पत्नी, चाचे को भी नहीं रखा, यही सिर्फ रह सकते हैं, बाकी सब झाल बजाओ। अगर आप बात करें केसीआर केशव चंद्रशेखर राव तेलंगाना में, तो केसीआर का बेटा केटीआर, उसका दामाद, उसकी बेटी, होने वाला पोता, यही केसीआर है और कोई आगे नहीं आ सकता। डीएमके में तमिलनाडु में स्टालिन और उसका बेटा, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर थे पहले, अब उनका बेटा जगन रेड्डी, शिवसेना उधर में उद्धव ठाकरे और उनका बेटा, ये सब लोग परिवार की पार्टियां हैं और ये सेवा परिवार की कर रहे हैं, और मोदी जी जब आते हैं तो देश की सेवा करते हैं और देश को आगे ले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी भी अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये भी परिवार की पार्टी हो गई। मां सोनिया, बेटा राहुल, बेटी प्रियंका, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, पेरोल पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर, ये पेरोल पर कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट लो, पसंद आया तो करो नहीं तो जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी है जो मोदी जी के नेतृत्व में दिन रात देश की सेवा में जुटी है।